कल से एक खबर जो है वो बड़ी खबर तो बड़े दिनों से ही गर्दिश कर रही है। ये बात तो हम तब से कह रहे हैं और जब वो अडियाला जेल में थे कि मियां नवाशी साहब की सेहत ठीक नहीं है, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो हमारा तमस्कर बनाया जाता था। ये बात चलते 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 ये पहुंच गई कोट लखपत जेल, कोट लखपत से नैब कस्टडी के अंदर। अब हम कह रहे हैं, ट्वीट्स भी कर रहे हैं और हुकूमत को इतला भी दे रहे हैं कि मियां नवाशी की तबीयत ठीक, बहरहाल उन्होंने देर की और नौबत यहां तक पहुंच गई। वहां पर इन्हीं के बनाए हुए सरकारी बोर्ड ने जब फैसला किया कि मियां नवाशी की बीमारी की तशखीस नहीं हो पा रही तो इनको बाहर जाना चाहिए। तो आपने अभी देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने जब अपनी इत्तेहादी जमातों और अपने कोर ग्रुप के साथ मशवरा जब किया तो उन्होंने खुद से बताया कि वाकई मेरे डॉक्टर्स भी यही इतला दे रहे हैं कि उनकी हालत ठीक नहीं है, उनको फिल फोर जो है बाहर भेज देना चाहिए। लेकिन हमें समझ नहीं आती कि वो कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके पीछे इमरान खान साहब जो हैं वो ये फैसला करने पे मजबूर हो जाते हैं कि जनाब नवाशिम को बाहर जाने के लिए ये हम शरायत रख देते हैं। आज की अगर आप कोर्ट की हियरिंग में उनके वकील की, सरकारी वकील की अगर आप हियरिंग उसकी समाप्त में बारे में सुने कि उन्होंने क्या वहां पर दलायल दिए, तो आपको यकीनन पूरा केस क्लियर हो जाएगा हुकूमत की तरफ से कि वो कितने ज्यादा जो थे मेलाफाइडीन की शामिल थी, वो वहां पर क्या कर रहे थे, वो मियां नवाशी को बाहर जाने देना नहीं चाहते, वो उनकी बीमारी का महज एक बहाना दुनिया के सामने दिखा दिखा के हम इंसानी बुनियादों पे करना चाहते हैं, तो उनके वकला ने वहां पर जो किया वो तो आज सब कहानी सबके सामने आ गई। आपका जब बोर्ड कह रहा है, इमरान खान साहब खुद भी कह रहे हैं, मुस्लिम लीग नू चीखे मार के कह रही है, पूरी अवाम इसके बारे में परेशान है कि जनाब मियां नवाशी की तबीयत ठीक नहीं, अगर वो आप उनको जाने दें।